भाइयों बहनों 50 दिन अब हो गया, मिल गए 50 दिन, सारे नोट वापस। आप देखिए मैं सारा एक्टिंग राहुल गांधी की कर नहीं सकता हूं। ताली बजा बजा कर। अब ऐसे ऐसे तो मैं, मेरे फूल तो पहना नहीं हुआ है, मैं हाफ पहन के आया हूं, मेरे पे जो कांग्रेस ने ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। हाँ ये कर लो पहले, बताना पड़ेगा। आलू फैक्ट्री आलू फैक्ट्री तो मोदी जी बोले ठीक है ठीक, हमारे पास तो रिकॉर्डिंग दिखाएंगे आपको, भेज देंगे व्हाट्सएप। अपने मंत्री नहीं होने से ये रिकॉर्ड पूछो इनके, अपने मंत्री इतने परेशान है मोदी जी से और अमित शाह से। कौन से मंत्री बात कर रहे हैं सर? आपको तो मालूम है, आपसे नहीं बात करते होंगे क्या? अच्छा मैं बता देखते हैं, तैयार है कि हमने तो कहा था राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर इसी देश में बनेगा, यहाँ नहीं तो क्या न्यूयॉर्क में बनेगा। ये है कि मायावती भी साथ नहीं, क्या राम भी साथ नहीं, तो फिर कैसे आप देंगे नरेंद्र मोदी को चुनौती? पवन खेड़ा जी आपके साथ है भाई, अभी मदद है अभी। देखिए मोदी जी को चुनौती देना एक पार्टी का काम नहीं है, सब वोटर चुनौती देने को। किसान चुनौती देना है जिस पर लाठियां बरसाते हैं, ये रात को भगा देते हैं जिसको, नौजवान जिसको नौकरी नहीं देते, जिसको वादे करते हैं 2-2 करोड़ नौकरियों का, वो इतना बड़ा बात आप इतना आसानी से बोल दिए। वो सब लोग जो आज भी अपने बैंक अकाउंट में ढूंढ रहे हैं 15 लाख कहीं हाथों नहीं गया पड़ोसी के अकाउंट में, वो सब इनका मुकाबला करने एक एक वोटर तैयार। शुरू में ही कमजोर नब्ज छू दिया आपने। नहीं नहीं रुक जाइए, अभी तो अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत आती है मेरे बीच में ना बोल। ये खुश हो रहे हो कि इनका गठबंधन टूट रहा है, समझ लीजिए इनकी अपनी हालत क्या होगी। दूसरे मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां 98 के बाद मायावती जी की सीटें कम होती चली गई, 2 सीटों पर आ गई, सीटें जितनी वो मांग रही है वो नहीं दे सकते। इसमें ये इतना खुश हो क्यों हो रहे हैं मुझे ये नहीं समझ में आता भाई। मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम? इनको खुश होना तो तब बनता जब इनकी शिवसेना इनके आगे पीछे, ये शिवसेना के आगे पीछे घूम रहे हैं, वो टाइम नहीं देते। अमित शाह 2-2 घंटे बाहर वेट करते हैं, अमित शाह जो अपने आप को चक्रवर्ती राजा समझते हैं वो बाहर खड़े हैं। हमारे यहाँ इनको बड़ी खुशी हो रही है, ये टूट गया वो टूट गया, भाई साहब कुछ नहीं टूटा। आपको तो खुली चुनौती दे रहे हैं। साइकिल ने छोड़ा साथ, साइकिल ने छोड़ा साथ। मध्य प्रदेश में साइकिल की क्या बात? आप पूरा बोलने फिर मैं बोल भाई, आप बोलेंगे तब बोलूंगा, शांत प्रदेश चले गए। आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे ओडिशा निकल जाएंगे। पर अब हाथ में केवल 7 44 से 7 सीटें मिलेंगी, चिंता मत करिए। और एक बड़ी बात आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा अंजना जी, मैं तो पूरा कान खड़े रहते हैं मेरे जब अपोनेंट बोलते हैं। एक बात आपको समझना होगा और यही हकीकत है, ममता हो या माया किसी को नहीं भाता राहुल का साया। ये तो लावणी वाला राहुल का साया जहां हो उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि राहुल ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसको स्पर्श करते हैं वो हार जाता है। आपने देखा साइकिल पे बैठ नहीं, आप देखिए राहुल बार लॉन्च होने की कोशिश नहीं कर रहे, अनादिकाल से जब से धरती बनी है राजनीतिक धरती तब से वो लॉन्च होने की कोशिश ही कर रहे हैं। कुछ भी खाट में बैठ के लॉन्च होने की कोशिश की थी, मैं इसी पोडियम पे खड़े होकर जब खाट यात्रा हुआ था सारे अब खाट पे बैठ गए हैं। देखिए राहुल गांधी हमारे अब मुख्यमंत्री सीएम पीएम सब बन जाएंगे, खाट लगा के लोग भाग गए। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ, याद है आपको? खाट ले लेके लोग भाग गए। उसके बाद खाट से जब राहुल गांधी ने जिसको छुआ वो हारा, मैं बड़ा खुश हुआ कि पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को गले लगा दिया, हारने की तैयारी शुरू। कितने खुश हो रहे हैं, कितने खुश हो रहे हैं, कितने खुश हो रहे हैं, कितने। अरे नहीं अभी और सुनिए, अरे 4.5 साल खुश हो रहे हैं राहुल गांधी के नाम की माला जपते जपते निकाल दिए, वो पूरा कर लेते तुरंत आपके पास, शेरो शायरी ना करना पूरा कर लो पूरा, तो ये कविता पूरा सम्मेलन नहीं करना पड़ता है पूरा पूरा कर लो पूरा। अरे कवि सम्मेलन में नहीं आए हो, कोई बात नहीं, कोई 4.5 साल का कोई बात नहीं है, हमारा गजब बेइज्जती है। राहुल जी मुझे बोलने दीजिए, देखिए राहुल जी, अच्छा अच्छा अरे मोदी जी आप चुप हो जाइए। देखिए आप मोदी जी बहुत बोलते हैं, काम करिए। खाट खाट से कूद करके साइकिल में बैठे थे, क्या हुआ साइकिल का हश्र आप देखिए, आपने देखा था? यूपी को 7 पसंद है, कुछ नहीं हुआ उस दिन से, कान पकड़ा है समाजवादी पार्टी ने। अब समाजवादी पार्टी परसों कह रही है लार्ज हार्ट दिखाना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, है ही नहीं हार्ट तो लार्ज हार्ट कहां से आए। फिर भी मैं कहता हूं नहीं, इसकी डिग्री सही है, इसकी सही है, इसकी सही होगी, फिर अपने आप को समझाता हूं बात। उसके बाद आप देख लीजिएगा अंजना जी, आपके पास कागज है, मैं देख रहा हूँ, कलम भी रखा हुआ है, यहाँ लिख लीजिए, इनको तो नहीं बोल सकता ये नाराज हो जाएंगे। आप कोई पास फटकने नहीं वाला है, जब तक राहुल गांधी हैं सब किनारे से जाएंगे, कोई पास भी नहीं आने वाला है। आप हर राज्य की कहानी ले लीजिए, एक बार मैं जो बोल रहा हूँ ना वो शांति से पूरा सुन लीजिए बिना बीच में बोले।
मायावती ने किसका नाम लिया सर? मायावती जी ने किसका नाम लिया मैं बताता हूँ। मायावती जी ने कहा कि कांग्रेस इज द मोस्ट एरोगेंट पार्टी, बहुत अहंकारी पार्टी। देखिए अंजना जी, आप जो भी हम आक्षेप लगा रही है मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। मैं प्लीज नहीं नहीं नहीं, ये मेरे और अंजना जी की लड़ाई है। सोनिया गांधी के नाम पर ममता हो माया हो दोनों चले जाते हैं और मोदी का नाम आ जाता है तो और भी भाग जाते हैं। अब बताइए राफेल की कीमत तो शिवसेना पूछ रही है, जब आप कहां घूम रहे बताइए। अब खाद से कूद के राफेल पे बैठे हैं, खाद से कूद के राफेल पे चले जाए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लाठियां बरसाना, बैठो बेरोजगारों को नौकरी नहीं देना, राफेल का भ्रष्टाचार। भैया आप कुछ नहीं होगा, हाथी नहीं मिलेगी, मतलब ये क्या हो गया? हो गया ठीक है, मुझे पूरा पाठशाला नहीं है भाई, तो पाठशाला किसकी है? गंदगी की पाठशाला वहां चल रही है आपके घर में, 4.5 साल की फैक्ट्री कर करके कर के लिए इसका खर्चा पानी पाल तेरी नौटंकी कहीं का के तालियां बटोरने चले गए। अरे तालियां बटोरने से सरकारें नहीं चलती, तो आपको कौन मना करता है ताली बटोरने की? बताइए, मना किया हमने? अरे करना, अब राहुल गांधी जी ताली बटोरते हैं। राहुल गांधी जी बोलते हैं पॉलिटिक्स इज इन माय शर्ट एंड पैंट। राहुल गांधी जी कहते हैं दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट 15 लाख। राहुल गांधी जी कहते हैं आगे से आलू पीछे से सोना। मेरी मारी तूने, अब देख मैं तेरी कैसे बजाता हूं। अच्छा क्या मारे? और चले गांधीवादी बने, बैठ जाओ आप, बहुत हो गया, ज्यादा बोलो मत। किसानों पर लाठी आप बरसाओ, आप बोलो, अपना हिसाब किताब दे न पाओ। आपने क्या, आपने काला धन लिया ये बता दीजिए, 99% पैसा वापस आ गया। मायावती जी पूछा जा रहा है काला धन मार डाले को मांगी, वो हम नहीं दे सकते। अभी हमारे आपस की बात है, ये इतना उछल क्यों रहे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। तेलुगु देशम के बारे में जवाब देते नहीं बनता, 2-3 बार और पूछ लूंगा तो बैठ जाएंगे, कुर्सी हट लगा दीजिए वापस। टीडीपी में आपको कुर्सी चाहिए? वो उनको आपने मंच पे देखा होगा, आज हमको देखने बैठने के लिए कुर्सी है इनके पास, बताइए लगाए बत नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ, ये बोल रहे कुर्सी लगा देंगे और मैं बैठ जाऊंगा, कुर्सी तो है नहीं, राहुल गांधी के बैठने की कुर्सी नहीं है। ये सारी लड़ाई कुर्सी की हो रही है, कुर्सी दो, हाथी कुर्सी दो, साइकिल कुर्सी दो, कोई कुर्सी दे नहीं रहा। अब ये मेरे को कुर्सी देंगे, बताइए कहां आ रही है उसका? क्या जब तुझे पता था कथा का हरकत करने का काम कर रही है मीना जी? चलिए हमारे यहाँ तो सब परेशानी है, देश परेशान है, बंदियों को छोड़ो। ठीक है आप अभी आप परेशान मत होइए, नौजवान परेशान सर, किसान देश परेशान है तो हम तो परेशान होंगे। चेपी लगा के परेशान हो, देश को रुलाया 50 दिन मित्रों, 50 दिन अंजना आइयो बहनों, 50 दिन हो गया, मिल गए 50 दिन, सारे नोट वापस आ गए। देखिए मैं सारा एक्टिंग राहुल गांधी की कर नहीं सकता हूं, ताली बजा बजा कर। अब ऐसे ऐसे तो मैं, मेरे फूल तो पहना नहीं हुआ है, मैं हाफ पहन के आया हूं, मेरे पे अत्याचार, फिर ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। हाँ ये कर लो पहले, बताना पड़ेगा आलू ये फैक्ट्री नहीं कर सकता। मोदी जी बोले ठीक है ठीक, हमारे पास तो रिकॉर्डिंग दिखाएंगे आपको, भेज देंगे व्हाट्सएप। अपने मंत्री नहीं होने से ये रिकॉर्ड पूछो, इनके अपने मंत्री इतने परेशान है मोदी जी से और अमित शाह से। कौन से मंत्री बात कर रहे हैं सर आपसे? आपको तो मालूम है, आपसे नहीं बात करते होंगे क्या? अच्छा मैं बता, पहल में आपने हाथी के बारे में आपने पूछा, देश कह रहा है हाथी को छोड़, गली गली में शोर है, कुछ नहीं होगा। देश का चौकीदार मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी जाता हूँ। बहुत गलत हुआ है दीवा, बहुत गलत हुआ। Let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see.